सर ये आप देखो प्लीज, थोड़ा सर एक मिनट आप आ जाओ, ये आप देखो सर, ये तो सर आपको दोनों इकट्ठे बैठना पड़ेगा, समझ नहीं ये आप पहले देख रहे हैं, ये एरीज है सर, है ना? एरीज का जो पहले जो लिखा है सीरियल नंबर वन, सीरियल नंबर लिखा, उसके बाद सीरियल नंबर के बाद क्या लिखा सर, साइन लॉर्ड, साइन के बाद क्या लिखा है नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र नक्षत्र लॉर्ड के बाद लिखा सब लॉर्ड, फिर लिखा डीएमएस डीएमएस, ठीक है ना, डीएमएस का मतलब दिल्ली मिल्क स्कीम, डिग्री मिनट और सेकंड, दिल्ली का दूध बिगड़ जो लिखो, डिग्री मिनट सेकंड, ठीक है ना। पहले एरीज वापस आते हैं, एरीज, एरीज के बाद सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद साइन लॉर्ड, मतलब जो एरीज का साइन लॉर्ड है जो है वो है मार्स, फिर पहला जो नक्षत्र है वो है केतु, एक्चुअली नक्षत्र का नाम है अश्विनी, फिर दूसरा धनु, फिर उसके बाद सर नीचे चले जाएंगे तो वीनस लिखा है केतु के नीचे, केतु के नीचे सर ये नहीं सब लॉर्ड में, नहीं नहीं इधर ये वीनस, ये भरणी नक्षत्र है, उसके बाद उंगली नीचे हटाओ, ये है कृतिका, अभी समझ ये लॉर्ड है इसके, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगासिरा हरिद्रा पुनर्वसु पुष्यामी, वो आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है सर, हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो केतु विल स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री एंड वीनस स्टार्ट्स फ्रॉम 13 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है, और 13-20 में 13-20 ऐड करेंगे, सन शुरू होगा 26-40, छब्बीस चालीस, ठीक है सर, ठीक है, इस तरह ही आगे चलते चले जाएंगे, पूरे जोडियक में 27 नक्षत्र होते हैं, 13-20 होते जाएंगे, ठीक है। उसका जो ऑर्डर है वो विंशोत्तरी दशा का ऑर्डर है, केतु वीनस सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी, सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी, फिर दोबारा से केतु शुरू, कैंसर तक खत्म हो जाएंगे, फिर लियो से स्कॉर्पियो तक फिर सेम चलेंगे, लियो सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी, फिर सेजिटेरियस से पाइसिस तक, ठीक है सर, वापस आ जाते हैं, ठीक है सर। अब ये है पहला सब लॉर्ड केतु का अगर नक्षत्र है तो पहला सब लॉर्ड भी केतु का ही होगा, ये होता है 0 to 46 मिनट 40 सेकेंड्स, मतलब जब अब 13-20 के 9 टुकड़े करने हैं हमने, हाँ समझ गया, हर टुकड़ा जो है अलग अलग डिग्री का होगा, केतु शुरू होगा नक्षत्र तो सब लॉर्ड भी पहले केतु का ही होगा, ऑर्डर वही रहेगा, केतु वीनस सन मून मार राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी, फिर वीनस शुरू होगा तो वीनस का भी वही सेम ऑर्डर होगा, वीनस सन मून मार राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी केतु, सन होगा तो फिर सन से भी पहले सन का शुरू होगा, खत्म जाके वो ऑर्डर वही रहेगा वीनस पे, अच्छा आप समझ आ गए, ठीक है। अब केतु का अगर नक्षत्र है, केतु का सब लॉर्ड है, तो केतु का सब लॉर्ड निकाला कैसे है, बुक में लिखा हुआ है, एक मैं आपको इसमें एग्जांपल कराया, केतु का ये होते हैं 7, तो ये 7/120 साल इसका नक्षत्र के अंदर पार्ट हो गया, नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट, मतलब 13 डिग्री 20 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 120 इयर्स, एंड जो केतु का पार्ट जो है वो 7 साल का है, तो उसका सब लॉर्ड कितना होगा, 7/120 × 13 = 7/120 × 8 मिनट्स, 13 × 60 = 2